राजस्थान के मध्य भाग में यहाँ एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर जिले में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़। देखिए, अजमेर के लगभग पश्चिमी भाग में यहाँ पुष्कर है और पुष्कर से कुछ पश्चिमी भाग में यहाँ पहाड़ियाँ हैं जिसे बोलते हैं नाग पहाड़, क्योंकि वह आकृति नाग पहाड़ है, नाग जैसी आकृति है। नाम क्या पड़ गया? नाग पहाड़ नाम पड़ गया। और यहाँ नाग पहाड़ से एक नदी का उद्गम होता है जो आपके मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। देखिए, आज विश्व में बहुत सी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल है और आपके एशिया महाद्वीप में सबसे मेन यहाँ पर एक थार का मरुस्थल है। दुनिया में मरुस्थल प्रदेश की तीन सबसे मेन नदी है, एक तो नील नदी, एक का नाम है नाइजर नदी और तीसरा नाम है लूणी नदी। नील, नाइजर और लूणी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी जो मरुस्थलीय प्रदेश में बहती है। सबसे लंबी कौन सी है? नील। सेकंड कौन सी है? और तीसरी कौन सी है? लूणी नदी। देखिए, एक बात है, लेकिन लूणी का नाम उद्गम स्थल पे नाम लूणी नहीं है, तो क्या है देखते हैं अपने। अजमेर में यहाँ पहाड़ियां बताई है मैंने अभी आपको, पहाड़ी का नाम क्या है? नाग पहाड़ से नदी का उद्गम हुआ और नदी का नाम यह, इसको बोलते हैं शाकरी नदी भी बोलते हैं, सागरमती बोलते हैं, शाकरी भी बोलते हैं इसको, सागरमती भी बोलते हैं लोकलिटी में, जैसे स्थानीय लोग उसको शाकरी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से नदी का उद्गम होने के बाद ये अजमेर में बहती है, अजमेर में बहने के बाद कुछ भाग नागौर में है और नागौर के बाद इसका कुछ भाग लगभग आपके पाली जिले में भी है और पाली के बाद इसका भाग जोधपुर में, जोधपुर के बाद ये बाड़मेर में जाती है और बाड़मेर के बाद में ये जालौर में और जालौर के बाद में कहाँ चली जाती है? कच्छ के रन में। देखो, यहाँ कच्छ का रन है, कच्छ के रन में जाएगी, इसके बाद में कच्छ की खाड़ी में कई शाखाओं के रूप में चली जाती है। देखो, नदी में एक लंबाई को लेकर आप कहीं चर्चा इतनी मत करना, इतना कोई बड़े विशेष नहीं है। देखो, इस नदी के राजस्थान में लंबाई, इतनी बात ध्यान रखनी है, इस नदी की राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर है जबकि कुल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई 495। ये कुछ जगह आपको मिलेगा 350 किलोमीटर, क्योंकि वो कच्छ के रन तक है, कच्छ के रन तक इसकी 350 है, टोटल कच्छ की खाड़ी तक वो 495 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। देखिए, यहाँ राजस्थान में एक सीरीज है, इस तरीके से आप जानते हो मोस्टली, कौन सी सीरीज है बता दो? यहाँ राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। जितनी भी इस नदी की सहायक नदी है, सहायक का मतलब इसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती है, वो लगभग नदियाँ सारी की सारी अरावली से ही आती है, लेकिन एकमात्र नदी जो अरावली से नहीं आती वो नदी जोजड़ी नदी है। चलो, वो तो हमने सहायक नदी में स्पेशल बात करी, कौन सी आती है कौन सी नहीं आती है। देखिए, नील नाइजर के बाद में सबसे लंबी नदी और एशिया महाद्वीप में मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। देखो, उद्गम स्थल पे इसका नाम है, इसको बोलते हैं सागरमती, साबरमती अलग है, भी उद्गम स्थल पे बोला इसको सागरमती। जैसे ही आगे गई, देखो ये कोई बताते हैं कि यहाँ एक शाखा, एक छोटी सी नदी और आती है पुष्कर की पहाड़ियों से, सरस्वती को नाड़ा बोलते हैं, अरे कोई सरस्वती नदी बताता है, और इस प्रकार आके ये पाली के पास इसमें जाके मिल जाती है और जहाँ वो नदी मिलेगी उसके बाद इस नदी को कहा जाता है सरस्वती नदी। कौन सी बोलते हैं? सरस्वती नदी इसको कहा जाता है। इसके बाद आगे गई, आगे जाने के बाद देखिए, बाड़मेर में एक शहर है बालोतरा जिसका नाम है बालोतरा। बालोतरा के पास, अब इसके बाद में भूमि बहुत खारी है, यहाँ पर भूमि में लवणता की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि नदी का पानी खारा हो जाता है। अरे फिर एक नई बात और बन गई, दुनिया की वह नदी जिसका पानी आधा मीठा है आधा खारा है, तो वो कौन सी है? देखो, अपने मारवाड़ी में राजस्थानी में नमक को लूण बोलते हैं, जिसका पानी लूण जैसा है, खारा पानी है, इसको लूणी बोलेंगे। तो इसके तीन नाम हो गए, उद्गम स्थल पे सागरमतिया साकरी बोलते हैं इसको, इसके बाद में देखिए पाली के एरिया में इसको सरस्वती बोलते हैं और बालोतरा के बाद में इसको लूणी बोलते हैं और प्रॉपर नाम भी इसका लूणी है। अरावली के समांतर बहने वाली, अरावली के उत्तरी भाग में बहने वाली सबसे लंबी नदी, देखो अरावली के समांतर दो नदियां बहती है, एक नदी और है जिसका नाम है बनास नदी, बनास नदी भी इसके समांतर, लेकिन वो पश्चिम से पूर्व बहती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो ये नदी आपकी होगी लूणी नदी। विशेषताओं से भरी पड़ी है, देखो बहुत से उपनाम है इसके, कालिदास ने इसके लिए नाम यूज किया था, इसको अंत सलीला कहा था, कालिदास ने इसको क्या कहा था? अंत सलीला कहा था। इसके अलावा देखिए, मरुस्थल की गंगा इसको बोलते हैं, मरुस्थल कौन सा? थार है, थार की गंगा भी बोल दो, आईजीएनपी भी है यहाँ पर, वो भी फेमस नदी है, नदी क्या है, नहर है यहाँ की।
इसको मरुस्थल की गंगा बोलते हैं, मरुस्थल की आशा बोलते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। ये है आपकी लूणी नदी। जोधपुर जिले में दो बांध बने हुए हैं, एक पिचियाक बांध जोधपुर में एक बना हुआ है पिचियाक बांध, और जोधपुर में एक बांध और है जिसका नाम जसवंत सागर बांध है। कौन सा बांध? जसवंत सागर बांध इसी पे बना हुआ है। अब और बातें देखें, एक टाइम था, एक काल था जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल में इस नदी को कहा जाता था लवणवती नदी। कौन सी नदी? लवणवती नदी, इसे वैदिक काल में कहा जाता था। देखिए, एक सामान्य ऐसी जो विशेषताएं हैं इसकी, मैंने आपको चार पांच विशेषता बताई है। और मरुस्थलीय प्रदेश की भी सबसे प्रमुख नदी है, अरावली के समांतर बह रही है। और ध्यान देने वाली बात बस यही है, नील, नाइजर के बाद में लूणी, जो मरुस्थलीय प्रदेश की क्या है, सबसे प्रमुख नदी है। और अपने राजस्थान और भारत की सबसे प्रमुख होनी होनी है, ऐसे है भी लूणी नदी की बात। लेकिन मैं बात कर रहा था कि लूणी की सभी सहायक नदियां, लगभग सहायक नदियां आती है अरावली प्रदेश से। कौन से प्रदेश से? एकमात्र नदी है जो अरावली प्रदेश से नहीं आती है। देखो, नदियां कोई हार्ड नहीं है, अभी जितनी भी बिगड़ी हुए नाम है, जितनी बिगड़ी हुए नाम है, प्रत्येक नाम का एक मतलब निकलता है, वो सारी इसकी है। सूकड़ी, पानी सूख गया, नाम सूकड़ी। बांडी, देखो बांडा बोलते हैं अपने मारवाड़ी राजस्थानी में, टूटे फूटे को बांडा बोलते हैं, बोलते ना, जिस नदी का भाग टूटा फूटा ज्यादा है उसको बांडी। पानी मीठा है, मीठड़ी, ऐसे मतलब की विशेषताओं के आधार पर इसके नाम रखे गए हैं, जैसे अपने कुछ भी हो। लेकिन अब ये बताओ, जवाई सबसे मेन नहीं है क्या? सबसे मेन जवाई होता है। देखो, जवाई की बात सबसे पहले कर लें, कई जो शादीशुदा है वो तो स्पेशली यहाँ कर रहे हैं, है ना। हाँ, कई आप में से देखे तो बैठे हैं। अच्छा, अब देखिए, यहाँ जिला है जिसका नाम है पाली। पाली में एक गांव जिसका नाम है गोरिया गांव। पाली में एक गांव जिसका नाम है गोरिया गांव, अरावली में पड़ता है ये। गोरिया गांव से एक नदी का उद्गम हुआ। नदी तो क्या है, मानता है भी, नदी का नाम ही बड़ा बताएं, किस आधार पे नाम रखा है, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। नदी का नाम है जवाई नदी। नदी का नाम जवाई नदी। अरे जवाई पता ही आपको किसको बोलते हैं, मारवाड़ी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गोरिया गांव से जवाई नदी का उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद ये नदी बहती है कहाँ पर? पाली में। ये नदी जाती है आगे, गई कहाँ चली गई बताओ? जोधपुर के पास आगे होती हुई बाड़मेर में जाके किस में मिल जाती है? बाड़मेर में लगभग सिवाना के आसपास। सिवाना के आसपास कहाँ प्रवेश कर गई है? लूणी नदी में मिल जाती है। मिला दिया क्या? ऐसे इस एरिया का नदी का भाग बताया गया है। गोरिया गांव से उद्गम हुआ, नदी का नाम जोवाई नदी। देखो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक और है इसको याद करने की, आपको बताता हूँ कैसे। नदी का नाम है जोवाई नदी, याद करने में दिक्कत होती है। देखो, ऐसे याद कर लो, पाली के जवाई गोरे, पाली के जवाई गोरे। पाली में एक पहाड़ी है गोरिया गांव में, और वहां से नदी का उद्गम हुआ जवाई नदी का। देखो, पाली के जवाई गोरे, सीरियस नहीं होना है, कहीं आप कहीं महिला वर्ग सीरियस हो जाए कि पाली के जवाई गोरे, डिसाइड कर दो ओनली पाली पाली, ऐसा नहीं करना आपको। देखो, पाली के जवाई गोरे, नदी का उद्गम ध्यान रखना आपको, गोरिया गांव पाली से नदी का उद्गम हुआ। ऐसे याद कर लो कि जवाई का नाम भी सुमेर है, सुमेर से याद करना है, सुमेरपुर। सुमेरपुर में इस पे एक बांध बना हुआ है। देखो, एक बात ध्यान रखना, जवाई से बड़ा कोई नहीं होता। जवाई नदी पे कौन सा बांध होगा? जवाई बांध। अरे जवाई से बड़ा कौन है? कोई नहीं है जवाई से बड़ा। जवाई नदी पे कौन सा बांध होगा? जवाई बांध कहाँ है? सुमेरपुर में। लो जी, सुमेरपुर में यहाँ पे क्या बना दिया? जवाई बांध बना दिया। देखो, उदयपुर में एक नदी और है, यहाँ पड़ता है उदयपुर। उदयपुर में एक नदी है जिसका नाम है सई नदी। कौन सी नदी है? सई नदी है। और सई नदी से एक सुरंग के माध्यम से जवाई बांध में पानी लिया गया। अभी सई नदी के माध्यम, चलो सई नदी का पानी है, उदयपुर में पानी बहुत है, अभी नदियां बहुत है वहां पर, सर्वाधिक उद्गम वहीं से होता है नदियों का। वहां सई नदी से पानी दिया गया, और ये जो अपना बांध है मारवाड़ का, अमृत सरोवर कहलाता है, इसमें पानी दिया गया। मारवाड़ में भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जवाई बांध है। इसका निर्माण 1946 में बीकर अपने जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था, कंकर पत्थरों से करवाया था स्टार्टिंग में इसका निर्माण। लेकिन आज ये मारवाड़ का, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसलिए इसको बोलते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर, या पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर बोलते हैं। सुमेरपुर फेमस है सरसों की मंडी के लिए। सरसों की मंडी सुमेरपुर में है, सरसों अनुसंधान केंद्र वो सेवर भरतपुर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? सेवर भरतपुर में बना हुआ है। बना दिया क्या? अब बताओ, जवाई नदी में क्या समझ में नहीं आया?
पाली के जवाई गोरे गोरियागम से उद्गम हुआ। जवाई जवाई पे बांध कौन सा? जवाई बांध ही होगा। कहाँ बना हुआ है? सुमेरपुर में, अरसीवाना के पास जाके कहाँ मिलेगी? लूनी में। सबसे लंबी सहायक नदी, देखो जवाई सबसे मोटा ही होता है, ध्यान रख लो, जवाई से मोटा कोई नहीं है। तो सबसे मोटी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई है।